हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के दो शेयर्स के बारे में जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड नज़र आते हैं, जिनका नाम है IRFC और RVNL यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और रेल विकास निगम लिमिटेड। रेलवे सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में बात करें जिसने ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन अभी ये दो स्टॉक हैं ये अभी भी आपको अंडर वैल्यूड ही नज़र आते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको इसमें बहुत भयंकर उछाल देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न जानने का ट्राई करेंगे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अब यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एक मर्जर की भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। कल का सिनेरियो अगर हम यहां पे देखें तो IRFC में बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, करीबन 6.82% से की आपको यहां पे जो तेजी है वो देखने को मिली थी, और जो उसकी क्लोजिंग है वो आपको देखने को मिली ₹25.85 यानी कि 25.85 पर, जो कि काफी अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा था। अगर आप देखोगे जो ₹23-22 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था, आज के टाइम पे अगर आप देखो तो ये शेयर आपको ₹26 तक के लेवल तक देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट था जो कि काफी दिनों से लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज उसके बाद भी अगर आप देखो यहां पे कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन कल के सिनेरियो में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ओवरऑल वॉल्यूम आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे NSE और BSE दोनों का वॉल्यूम मिलाकर आपको शो किया जा रहा है। तो केवल कल के दिन में अगर आप देखो करीबन 13 करोड़ का वॉल्यूम आपको देखने को मिला, जो कि कंपेयर अगर हम करें बहुत ज्यादा है दूसरे दिनों के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे यहां पे मूवमेंट आएगा वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसमें लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही इसमें वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो आप देखोगे इसके शेयर में भी फ्लक्चुएशन होगी, यानी कि अपसाइड जाने का जो स्कोप है वो इंक्रीज होते हुए चला जाएगा। एक एक करके अपडेट बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि IRFC का जो रिजल्ट है Q2 का, वो आपको 1st of November 2021 यानी कि 1 नवंबर को देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे नोटिस के सिनेरियो में अगर आप देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 1st November 2021 को आपको इनके Q2 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है कि कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि कंपनी इस बार अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कराने वाली है अपने शेयर होल्डर को। तो यहां पे अगर आप देखो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशंस निकल के आ रही है वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो बहुत हद तक इंक्रीज होने वाला है, प्लस अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। तो यहां से दो चीज की क्लैरिटी हमें मिलती है कि आपको यहां पे डुअल बेनिफिट मिलने वाला है Q2 में। एक तो यहां पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सेकंडली अगर आप यहां पे देखोगे तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यहां पे 1st of November को काफी कुछ सिनेरियो क्लियर हो सकता है कि आने वाले टाइम में IRFC में आपको कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये जो कल का मूवमेंट था एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कि FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को इस क्वार्टर में IRFC में बहुत हद तक इंक्रीज कर दिया है। आपको ये ऑलरेडी पता होगा अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो कि जहां भी FIIs अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करने से पहले। तो उन्होंने यहाँ पे इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, जिसका डेफिनेटली यही मतलब निकल के आता है कि जो स्कोप है IRFC का आने वाले टाइम में बहुत हद तक इंक्रीज होने वाला है, और जो यहाँ पे आपको शेयर प्राइस अभी देखने को मिल रहा है वो हो सकता है आपको बहुत हद तक इंक्रीज होते हुए दिखे अगले क्वार्टर तक। तो एक मर्जर की न्यूज भी निकल के आ रही है जो कि मैं एंड ऑफ द वीडियो पे बताऊंगा, उससे पहले हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं RVNL का सिनेरियो। अगर RVNL की बात करें तो कल के मार्केट सिनेरियो में देखोगे बहुत भयंकर तेजी देखने को मिली है।
आपको RVNL में अगर आप देखो तो 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला और शेयर की जो क्लोजिंग है वो करीबन 43 के आसपास देखने को मिली। बहुत बड़ा मूवमेंट कल के मार्केट सिनेरियो में इन दोनों ही स्टॉक्स में आपको देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो काफी कुछ चेंज तो नहीं है, ज्यादातर चीज अगर आप देखो तो सेम नजर आती है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे FIIs की होल्डिंग्स को देखो तो बहुत माइनर सी इंक्रीज देखने को मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहां पे अगर आप देखोगे RVNL में भी बड़ी तेजी देखने को मिली और यहां पे आपको IRFC में भी बड़ी तेजी देखने को मिली और जो वॉल्यूम था अचानक से वो इतना ज्यादा देखने को मिला कि लोगों के मन में अब यहां से सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या अब इन स्टॉक्स में हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या फिर अब यहां से इनमें जो भी गेन मिले वो निकाल के एग्जिट कर देना चाहिए। तो जहां तक मेरी राय है, जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आपने इन दोनों स्टॉक्स में से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अभी होल्ड करना चाहिए। ये मेरी यहां पे रिकमेंडेशन निकल के आती है। और अगर आपको ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं करना है IRFC को तो आप केवल और केवल 1 नवंबर यानी कि 1st of November तक होल्ड करके देखो। Q2 में आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड, तो उसके बाद आप खुद ही अपना डिसीजन ले सकते हो। वहीं अगर हम बात करें RVNL के बारे में तो एक मर्जर की न्यूज निकल के आ रही थी जिसमें IRCTC और RVNL का मर्जर किया जा रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मर्जर को कैंसिल कर दिया गया है। और जैसे ही मार्केट में ये न्यूज निकल के आई उसके बाद अगर आप देखो तो रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक्स में आपको भयंकर तेजी देखने को मिली। ये एक पर्टिकुलर रीजन बना इस बड़ी तेजी का। तो यहां पे अगर आप देखो जो मर्जर है वो कैंसिल इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप देखो IRCTC जैसा शेयर जो अपने शेयर होल्डर को इतना ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, अगर उसको किसी के साथ मर्ज कर देते हैं तो उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस पर जो प्रेशर है वो और इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो सकता है क्योंकि जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा दोनों स्टॉक्स के बीच में, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो मर्जर का जो है वो कैंसिल किया गया है। तो यहां से अगर आप देखो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज बन के नजर आती है। तो अब जैसे कि आप जिन भी लोगों को लग रहा था कि IRFC एक ऐसा शेयर है जिसमें आपको कभी भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा तो वो आपको यहां पे देखने को मिल चुका है। और RVNL के बारे में भी अगर किसी की यही थिंकिंग थी तो वो भी आपको यहां पे देखने को मिल रही है कि RVNL में एक दिन में 20% तक का उछाल आ चुका है। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर हम यहां पे बात करें, अगर आपके पास IRFC का शेयर है तो आप इजीली इसको अभी होल्ड कर सकते हो क्योंकि स्टॉक यहां से काफी शानदार रिटर्न्स दिखा सकता है। पिवट टेबल आपको यहां पे देखने को मिल रही है और यहां पे अगर आप देखो तो डिविडेंड भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो यहां पे इस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन को अभी होल्ड कर सकते हो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें स्टॉक मार्केट में बाइंग या सेलिंग करने से पहले। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।